माइक मारो, माइक मारो। गाइस ये दोस्त आया मिलने, अदनान भाई, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक भाई, यान भाई अभी आया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। तो आज सब लोग आप जानते हैं क्राइट के ऊपर है। तो आज दिन भर में जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो सबसे पहली बकरा ईद मुबारक हो मेरे इस तोते को, बकराई मुबारक हो। तो चलिए और सबको भी चलते बकराई की शुभकामनाएं। तो गाइस ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाला था, जहाँ जैसे ही मैं उठता वैसे ही मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करने वाला था, तो कर नहीं पाया, नमाज छूट जाती बकराई थी। तो अब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, फजर की नमाज भी पढ़ी और बकराई की भी नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ कराने के बाद सीधे मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में डायरेक्ट आपसे आगे मिल रहा हूँ। तो आप सभी को भी बकराईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके परिवार को भी बहुत मुबारक हो बकराईद। और बकरा कुर्बानी शुरू हो चुकी है, भैंस कुर्बानी भी होगी, दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए, को बकराईद मुबारक हो। सलाम, आज ईद के त्यौहार है और खुशी का त्यौहार है। वो मामू देखो कुरान पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, और निशार भाई कलाम पाक पढ़ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ने गए। बकरीद मुबारक हो, ईद मुबारक हो सब फैमिली को। बकरीद की नमाज पढ़ते ही कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो बकरा है नहीं है और ना तो हम कर पाते हैं। तो गाइस चलिए, हमारे यहाँ मकान मालिक के यहाँ भैंस आती है और उसमें सब हिस्सा डालते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये भैंस है, आपको मैं पीछे वाले कैमरे से अच्छे से दिखाता हूँ। ये है वो भैंस, हमारे मकान मालिक की है ये भैंस, इसमें सभी हिस्सा डालते हैं जिसको डालना होता है। और भी है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। मोहल्ले में भैंस आई है और पूरे मोहल्ले का हिस्सा होता है वो, सारे भैंसे वहाँ टेंट के पीछे बंदी है। थोड़ी थोड़ी शायद आपको दिख रही होगी, वहाँ सारी भैंसें बंदी है। मैं अभी दूध लेने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं दूध लेने जा रहा हूँ। जो हमारे घर में सेवैयाँ बनती हैं उसके लिए दूध लेने जा रहा हूँ। तो आपको चलिए मैं दूध लेने के बाद मिलता हूँ। हम पल्सर से जाएंगे दूध लेने, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसकी शॉप यहाँ से दूध लूँगा मैं, हमारा नंबर आ चुका है। भाई 2 किलो दबा देना। ये दूध ले लिया है मैंने, ये देखिए। अब सीधे मैं आपसे मिलूंगा घर पे। दूध लेके आ चुका हूँ मैं घर, अब ऊपर जा रहा हूँ दूध लेने मम्मी को। सुबह से नाश्ता नहीं किया, अब नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या है। चाय और ये नमकीन है। नंबर आएगा तो भाई, 11 बज चुके हैं, लगभग आधा दिन खत्म हो चुका है। तो मैं अभी ये खीर खा रहा हूँ, तो आपको खीर खाने के बाद मिलूँगा, ठीक है। मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, दोस्त ने बुलाया है। तो चलिए मैं आपको दोस्त के घर जा कर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो चलिए, दोस्त के घर आ चुका हूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ पीछे है मेरा दोस्त। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे हूँ, तो हम जा रहे हैं उस पार्ट में सबके घर घर। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, तो चलिए। दोस्त के साथ दोस्त वार्ड के आ चुका हूँ मैं अपने घर पे, तो अब मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा भाई जो भी होगा घर में, शाम तक में जो भी मैं करूँगा उसके बाद दिखाऊँगा ईद के ऊपर। और फिर भाई ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगा, क्योंकि मेरे से दिन भर कुछ हो नहीं रहा, खाली बैठा हूँ, ब्लॉग में भी कुछ दिखाया नहीं जा रहा, मुझसे कुछ मिल ही नहीं रहा कंटेंट, खाली बैठा हूँ दिन भर, दिन देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। तो भाई
भी अब मैं करूँगा, शाम तक में तो मैं दिखा दूँगा आपको। तो चलिए, तो आप भी आगे देखना। शहर के 1:30 बज चुके हैं, पीछे आप घड़ी में देख सकते हैं। तो अब नमाज का टाइम अजान हो गया और उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा खुले में, तो मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा जोर की, उसके बाद आपसे मिलूँगा दोपहर में। क्या करता हूँ तो देखना वीडियो आगे तक। दो एक नमाज पढ़ के मैं आ चुका हूँ, वहाँ पर भी गली सन्नाटी पड़ी है, सब बकरा करके अपना हिस्सा करके बैंक में सब इधर उधर अपना बांट रहे हैं। तो मैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आ रहा होगा नाम, इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, तो फॉलो कर लो जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हे गाइस, ये दोस्त आया है मिलने, अदनान भाई, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो भाई जान। भाई अभी आया, हम घूमने जा रहे हैं 5 मिनट के लिए, तो चलने पार्टी करेंगे, आ जाओ आओ बैठो। भाई बैठ गए हैं, आपको दिखाता हूँ रास्ते में। हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं स्कूटी में, बिल्कुल ही पेट्रोल खत्म है। तो भाई हम पेट्रोल पंप वालों से मछली जा रहे हैं आज, पेट्रोल पंप वाले से हम बोलेंगे 20 रुपए में भाई पेट्रोल भर दो, देखते हैं भरते हैं उनका रिएक्शन कैसा आता है गाइस। हाँ, और लोगों का भी रिएक्शन देखते हैं, आप बने रहिए उस वीडियो में हमारी। चलिए पेट्रोल पंप पे अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब हमने पेट्रोल पंप पे अब पेट्रोल भरवाएंगे 20 रुपए का, देखते हैं भरता नहीं भरता पेट्रोल पंप वाला। ये तो डलेगी, कौन है भाई कोई यहाँ पे अपना डाल ले। 106 रुपये लीटर भाई पेट्रोल भरवाना है, 20 रुपये का चल जाएगा भाई। रिएक्शन नहीं आया कोई भाई, 20 का डालने को तैयार हो गया ना, गाड़ी खत्म हो जा गई है, 20 का डालने को भाई तैयार हो गए, भाई तैयार हो गए हैं भाई, देखो 20 रुपये तेल डालने का। हम तो कहें भाई हमें भगा देंगे यहाँ से, यार हम तो उधर से भगाएंगे भाई। हो गया भाई पेट्रोल 20 का, हमारा ही पोपट हो गया। हम पेट्रोल लगवा के जा रहे हैं घूमने, थोड़ा और घूमेंगे फिर जाएंगे घर। तो गाइस ये देखो बच्चों के लिए सामान सब, ये बाटा सब, ये साला छोटा बाटा, स्विमिंग पूल छोटा था। और अभी हम आपको उसके रेडी बताएंगे चलते हुए, अभी आप थोड़ा सा पहले जिप्सी खड़ी है भाई, देख लो पुलिस वाले खड़े हैं, हम बच के आए हैं, जिप्सी है गाड़ी, हम बच गए हैं हमारी। तो आगे मैं बताऊंगा उसके रेट छोटे बाटा के। अभी हम आए स्टिंग लेने के लिए, स्टिंग लेंगे, लेमन सोडा ले ले, स्टिंग पीऊंगा मैं, स्टिंग पीएगा भाई, एक स्टिंग लेना और एक लेमन सोडा। स्टिंग लिया और मेरे दोस्त ने लिया लेमन सोडा, अभी हम पियेंगे तो मिलते हैं आपसे पीने के बाद। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं इसकी में, थोड़ा पी के दोस्त जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं रास्ते पे आपको। तो जाएगा तो नहीं हैं, तो जाना तो नहीं, अभी तो नहीं जाना यार, आधे घंटे तक, आधे घंटा भी लगेगा काम, अभी तो ना घुमा दो यार, घुमा रो रही थी एक चक्कर में, मुझे गाड़ी चाहिए मेरी जाएंगे घुमा के लिए थोड़ा सा, अब मैं निकल के आ गया बहन से सामने, तो सामने लगा के बैठा है, आगे तक ले जाना है।
क्या लगा गाड़ी गाड़ी पेट्रोल लेगा पेट्रोल बचाने के चक्कर में हम गाड़ी यहीं लगा रहे हैं और पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो भाई आपको हम दिखाते हैं ब्लॉक के अंदर भाई आएगा वो वहाँ साइड बैठ है भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं लग रहा उठा के और ले चलो भाई चले चढ़ाए यहाँ से। हाँ भाई 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 है क्या ये है बड़ा वाट टब और ये छोटा वाट टब है ये बच्चों के लिए और वो भी छोटा वाट टब है छोटा सा स्विमिंग पूल वाट टब थोड़ा 1800 रुपये भैया 2500 रुपये इससे बड़ा भी आ सकता है 3 लेयर में वो होगा आपके पास कितने फुट का भाई है ये कितने लीटर में है 6 फुट का वो 8 फुट का ये भाई 6 फुट का है और ये 8 फुट का है ये 1800 का ये 2500 का है और ये 1800 रुपये का और ये कितने फुट का 5 फुट 6 फुट का वो वाला कितने फुट का पिंक वाला तो इनके आपको मैंने रेट बता दिए हैं वाला 850 का है 4.5 ऐसे 5 फुट लंबा है 4 5 ऐसा है 3.5 3.5 की चौड़ाई 5 फुट की लंबाई है उसकी ये 650 रुपये का है 450 रुपये का है 450 रुपये का मतलब आपको मैंने पूछ के रेट बता दिए हैं इसके। हम तो ऐसे ही आए थे सिर्फ पूछने के लिए ऐसे हमें चाहिए तो नहीं अभी हमने बता चुका भाई रेट आपने देख लिए होंगे तो जाके बाइक को देख लेना एक बार हमको लोकेशन आपको ये AVV स्कूल के सामने है भाई चाहिए हो तो किसी को हमारे यहाँ पे चाहिए हो तो किसी को आ जाना यहीं पे तो चलिए हम घर जा रहे हैं बहुत देर हो गई अब तो इस वाले रास्ते से जाएंगे हम ये पीछे गली जो दिख रही है अब दिखाता हूँ मैं आपको आ चुका हूँ तो अब मैं रेस्ट करूँगा खाना पीना खा के थोड़ी देर फिर मिलूँगा आपको शाम में भाई हैं 8 बजे ये देखो 8 बज चुके हैं गाइस मैं थोड़ा बहुत शाम तक घूमा और भैंस कट रही थी तो भैंस देखने चला गया था करते हुए तो अभी लौटा हूँ मैं तो बस इतना ही हुआ आज के ब्लॉग में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना ब्लॉग को और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए तब तक के लिए बाय और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।